सच में बुरा लगता है जब एक डिवाइस हम बाय करें और चाहे वो कितने भी प्राइस का हो, है ना, और टाइम टू टाइम उस पर अपडेट ना आए, ये सोच के हम बाय करें कि यार इसमें टाइम टू टाइम अपडेट तो दे ही देगा क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड है या एंड्रॉइड वन डिवाइस है, बट यहां पर अपडेट नहीं आ रहा है। मेरे पास ऐसे दो तीन डिवाइस है जो कि ऐसे ही उसी लिस्ट में आते हैं। शायद वो फोन जो यूज कर रहे होंगे उनका दिमाग में भी ऐसे खून खोल रहा होगा, वो दिमाग में ऐसा लग रहा होगा यार बहुत बकवास कर लिया हमने इस टाइप का डिवाइस बाय। थोड़ा सा आपके मन में ऐसे आ रहा होगा यार गलत कर दिया हमने डिवाइस लेके, टाइम से अपडेट नहीं आ रहा है और कुछ इशू और ऊपर से क्रिएट हो रहा है, सर्विस सेंटर जाके ठीक होना पड़ रहा है, और यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस भी ओके नहीं है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है ना किसी को क्रिटिसाइज करना, बट यहाँ पर सीन क्या है थोड़ा बहुत बताना जरूरी होता है, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है, क्योंकि मेरे साथ कुछ यूजर जुड़े हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और जिनके कहने पे भी कई सारे वीडियो भी बना देता हूँ। यहाँ पर बात आता है डिवाइस का अपडेट के बारे में। मेरे पास एक डिवाइस है 2.5 साल पुराना आसपास हो चुका है, Xiaomi Mi A3। तो इसके अंदर अभी भी ये जो जनवरी मंथ चल रहा ना, अभी भी जनवरी मंथ का सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ है। अगर आपको डाउट लग रहा तो मेरे चैनल में जाइए और वहां पर आप चेक कर सकते हो, उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट अभी भी आ रहा है। हाँ मुझे पता है कि आगे उस एंड्रॉयड डिवाइस को और कभी जो कि बिग अपडेट नहीं मिलेगा, जैसे एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है और टाइमली अपडेट आया था, एंड्रॉयड 11 जब आया था उसमें भी टाइमली अपडेट आया था, और यहां पर एंड्रॉयड 12 का कोई निशान नहीं है ना कोई खबर है। हाँ उसके ऊपर चिंता नहीं है, चलो सिक्योरिटी अपडेट देता है, कम से कम यूजर को तो पता चलता है कि जो भी कुछ इशू आता है या कुछ चेंजेस रहता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा बग्स वगैरह फिक्स हो जाता है। बट यहाँ पर क्या, हमने पैसा खर्चा करके डिवाइस बाय करते हैं और मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइस है जो कि मार्च 2021 से भी अपडेट नहीं आया है, कम से कम सिक्योरिटी अपडेट तो दे देना चाहिए यार, इतना भी क्या जरूरी पड़ रहा है जो कि आप फोन ला रहे हो उसके बाद 2 दिन नया फोन ला चुके। यूजर का जो मांग है, यूजर्स को जो चाहिए टाइमली अपडेट, कम से कम वो तो पुश करा दो, मजा आ जाएगा। बट कंपनी के साथ कभी नहीं छोड़ा क्योंकि आज है इंडियन और इंडियन ब्रांड के साथ हम जाते थे, इंडियन इमोशन के साथ। मैंने भी 2-3 वीडियो आप लोगों को बताया होगा कि यार इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद था, मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मुझे उम्मीद था जब कंपनी इतना सब कुछ कर रहा है तो सारा टाइम टाइम अगर अपडेट दे देगा ना वो सारे गलतियां माफ कर दिया जाएगा। टाइम से अपडेट देके यूजर्स के मन को बहलाना चाहिए। एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था लंच इवेंट के आसपास, तो वो इतना मायने नहीं रखता क्योंकि जब तक डिवाइस नहीं आता तब तक मजा नहीं आता वीडियो बनाने में। बट यहाँ पर लोग जो है पहले बुराई करते थे अब अच्छा ही करने लगे, फिर थोड़े दिन बाद बुराई करने लगेंगे, ये हो क्या रहा है? गिरगिट वाली चाल ऐसे ना चलना चाहिए। जो अगर आपको एक साइड रहना है तो रही, जैसे माइक्रोमैक्स कहीं गलती कर रहा है जो ये टाइमली अपडेट नहीं दे रहा है, मैंने काफी टाइम से कॉन्टेक्ट करना चाह रहा हूँ टीम को, वहां से कोई भी मुझे न्यूज नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ यही बता जा रहा है कि आपको बताएंगे, लेकिन इससे काम नहीं होता। मेरा कई सारे सब्जेक्ट बन के आता है डिवाइस के ऊपर बनाने के लिए वीडियो, मैं बना नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर वीडियो बना के देता हूँ तो सभी का एक ही सवाल आएगा, भाई इस डिवाइस में कब आएगा अपडेट, उस डिवाइस पे कब आएगा अपडेट, क्योंकि 2-3 डिवाइस सभी के पास फैल चुका है। माइक्रोमैक्स इन नोट वन, इन वन, इन टू बी, इन वन बी। इन वन बी चलो ठीक है, थोड़ा सा मार्केटिंग गो एंड्रॉइड था तो इसलिए मार्केटिंग उसका ठीक है और टाइम टू टाइम इसका अपडेट आ जाता है। बट यहाँ पर बाकी डिवाइस का क्या, अब जो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 आया हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि नवंबर का सिक्योरिटी अपडेट शायद उसके अंदर शो हो रहा है। जब आप नया डिवाइस लाते हो उसको एंड्रॉइड 12 के साथ क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। जब हम जानते हैं या सुनते हैं कहीं से न्यूज मिलता है कि माइक्रोमैक्स तरफ से एक डिवाइस आ रहा है, बट यहाँ पर जो उम्मीद है दुगनी हो जाता है। बट यहाँ पर जब अपडेट टाइम से नहीं आता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में खटकता है। रही बात दूसरी, आप सर्विस सेंटर की बात वो भी नहीं कर रहे हो, सर्विस सेंटर आफ्टर सर्विस बढ़िया रखना चाहिए आप लोगों को। और तीसरी बात, माइक्रोमैक्स को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है अपने काम को, भाई ऑफलाइन में तो सेल करना जरूरी है, आप गांव की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, शहरों में ऑफलाइन पर देना जरूरी है। क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ स्टोर में वीडियो बनाने, वहां पर मेरा एक मकसद रहता था कि माइक्रोमैक्स का डिवाइस यहाँ पे सेल हो रहा है कि नहीं, वो पुराना कीपैड वाला शो हो रहा है। अभी जो नया पैटर्न में आया है एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड के साथ, अभी ये ऑफलाइन में भी नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है। ऑनलाइन में हर आदमी को बाय करना पसंद नहीं होता, वो ऑफलाइन में भी खरीद सकता है। रही बात प्रमोशन की, जब कोई अगर हमारे पास, जैसे आज मैंने बुक करने वाला था बट यहाँ पे देखा 9 दिन और लेट है, यानी कि मेरे को शो किया
फरवरी 9 तक डिलीवरी होगा मेरे जो जिस नेटिव प्लेस में मैं रहता हूँ, जिस एरिया में। बट यहाँ पर मैंने सोचा कि यार 15 दिन गैप में, यानी उस 15 दिन तक आपके दिमाग में सब कुछ आ चुका है। माइक्रोमैक्स इन नोट 2 जो कि सबको पता है क्या डिवाइस के अंदर क्या क्या है, क्या डिटेल्स है, कैसे दिखने में, सब कुछ पता है। 15 दिन के बाद वो डिवाइस में बाय करके उसके ऊपर कितना ही व्यू ले आऊंगा। और आपको पता है चैनल के ऊपर जो व्यू वगैरह आता है आपको तो पता ही है, इतना खास नहीं आता। अगर हाँ स्टार्टिंग से अगर डिवाइस हमारे पास आ जाता तो उस टाइम कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर बात करते या बताते सब कुछ डिटेल्स। यहां पर सीन यही आ जाता है कि भाई कंपनी को 2-3 चीज सुधारना चाहिए, टाइम से अपडेट देना चाहिए, जो डिवाइस रनिंग कर रहा है मार्केट में वो भी उसका यूजर भी स्ट्रांग। आपको बताने में मुझे खुशी होगा 400+ जो लोग हैं माइक्रोमैक्स डिवाइस यूज करते हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, उस ग्रुप का ओनर मैं हूं। मैंने बनाया था ऐसे ही चलते चलते ऐसे बना दिया था स्टार्टिंग में जब माइक्रोमैक्स इन नोट 1 लाया था। अब लोग उसके अंदर जुड़ चुके हैं काफी अच्छे अच्छे 10-12 एडमिन लोग हैं वहां पे। आप अगर माइक्रोमैक्स डिवाइस यूज कर रहे हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में कई सारे न्यूज वगैरह आपको मिल जाएगा, नए नए डिस्कशन होते रहते हैं। बट यहाँ पर सीन यही आता है लास्ट में कि काश माइक्रोमैक्स टाइम से अपडेट दे देता ये जो इन 1 इन नोट 1 और इन 2 भी को, तो थोड़ा सा दिल में सुकून होता। कहीं ना कहीं एक चीज खटकता है आप लोगों को, अगर आप यूज कर रहे हो आपको पता होगा। जैसे कई सारे यूजर बोले पोको भी नहीं देता अपडेट और मोटरोला भी नहीं देता। हम चाहते हैं कि वो ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट माइक्रोमैक्स अपडेट देना चाहिए क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है और इसको अगर मार्केट में बढ़ा रहना है, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, मोटरोला हो गया, इनको अगर नोकिया हो गया, इनसे अगर आगे बढ़ना है तो माइक्रोमैक्स को टाइम से अगर अपडेट दे देगा ना तो भाई गजर मच जाएगा, मतलब मार्केट पूरा तहलका मचाएगा। क्योंकि अब तो उसका पैटर्न स्टार्ट हो गया है, नए नए स्टाइल का डिवाइस आने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ 5G डिवाइस के लिए माइक्रोमैक्स का, तो हो सकता है वो डिवाइस आएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ और बाकी देखते हैं। वीडियो में कहीं अगर भूल चुकी हो तो कमेंट जरूर कर देना, मुझे बताना कि आपने यहां गलत बताया। तो बस ये था वीडियो, वीडियो को पसंद आया था तो प्लीज वीडियो को फैला देना मतलब नहीं, लाइक करके शेयर करना और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यही था एक बकबक वाली वीडियो जो कि मुझे ऐसा लगा क्योंकि माइक्रोमैक्स अपडेट नहीं दे रहा है फिर भी हम अपडेट नहीं करेंगे। छोटी सी न्यूज में आपको यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, मुझे सीक्रेटली न्यूज मिला है जहां पे मैं बात करता हूँ जो भी मेरे सोर्सेस है, कि आप लोगों को डिवाइस लेके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा वहां पर एंड्रॉइड 12 अपडेट के लिए। बट अभी तक ये सियोर नहीं है, ये बात मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, उड़ते उड़ते खबर आया है। बट यहाँ पर आप इसको भरोसा ना करें, वेट करें, हो सकता है ऑफिशियली दे या जो भी होगा मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊं। हो सकता है मैं इन 1 को लेके जाऊं सर्विस सेंटर में, कैसे अपडेट कराता है उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से अगर मेरे पास सारे डिटेल्स आता है। बस ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।